हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन से संबंधित इस वीडियो में मैंने 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रखा है, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी मदद करेगी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही रखा है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो पहले क्वेश्चन से जो भी प्रश्न आएंगे आप एग्जामिनेशन में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, लोहा जो होता है उस पर जंग लगता है और लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक का लेप लगाया जाता है, यानी कि जस्ता का लेप लगाया जाता है। तो लोहे पर जस्ते के लेप लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। आप नाम याद रखोगे, अलग अलग नाम है। इसी को गैल्वेनीकरण भी कहा जाता है और इसी को गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो तीनों नाम आप याद रखोगे, आपके एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन आएगा वो आप टिक कर देना। इस ऑप्शन में देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है गैल्वेनीकरण, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लोहे पर जिंक का लेप लगाने का जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का सबसे पहले हमको केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? AgCl2। Ag मतलब सिल्वर और Cl का मतलब क्लोरीन, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब देखो, वैसे भी हम लोग जनरली जानते हैं जो चांदी होता है उसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। बस सिंपल ऐसे ही याद रख लो, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वह कैसा होता है? श्वेत हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो देखो, जस्ता, ठीक है, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिएक्शन कराया जाता है तो देखो ये बन जाता है जिंक क्लोराइड, ठीक है, और हमारा बन के क्या आता है? हाइड्रोजन, ठीक है। देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन है असंतुलित है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बस ऐसे लिख रहा हूँ। अगर संतुलित करेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमें क्या मिलकर के आ गया? हाइड्रोजन मिलकर के आएगा। तो हाइड्रोजन का ऑप्शन कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो देखो, दहन का मतलब होता है वैसी अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें कोई पदार्थ जलने के बाद प्रकाश भी उत्पन्न करता हो और साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करता हो, ठीक है। तो आप देख लो, जल जब उबलता है ऊष्मा मिलता है लेकिन प्रकाश नहीं। मोम का पिघलना, मोम जब पिघलता है तो ऊष्मा मिलता है, प्रकाश नहीं, जलता है तब मिलता है। लेकिन पेट्रोल जब जलता है तो ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो, साग सब्जी जब विघटित होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, क्या? ऊष्मा। और जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा इमिट हो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, एग्जामिनेशन में आपसे इसका परिभाषा भी पूछ लिया जाएगा सब्जेक्टिव टाइप्स में। तो याद रखना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो ऊष्मा क्षेपी कहलाएगा, और जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता हो ऊष्मा शोषी कहलाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है। तो जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करोगे तो आपको प्राप्त होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सही है। तो देखो, आपको सभी ऑप्शन में एक चीज़ तो कॉमन मिल रहा होगा, क्या? Na2 और CO3। क्या होता है Na2CO3? इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसी को बोला जाता है धोवन सोडा, यानी व्यापारिक नाम धोवन सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। तो ये आधा अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए इसके साथ लगता है 10H2O, ठीक है। तो आप देख लो कौन से ऑप्शन में 10H2O, ऑप्शन नंबर बी में है 10H2O, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपघटन क्या होता है। देखो, अपघटन का मतलब होता है टूटना, क्या होता है? टूटना, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ऑक्सीजन है O2,
जब इसको डिवाइड करोगे तो ये एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, ये हो गया टूटना। लेकिन अगर हम इसी को, ये जो एरो है इसको हम उल्टा कर दें, इस एरो को अगर मान लो कि हम उल्टा कर दें, ठीक है, इस एरो को अगर इस साइड घुमा दें तो देखो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन दोनों मिल करके दो ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो अगर एरो ऐसे रहे यानी कि एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के दो ऑक्सीजन का निर्माण करें तो इसको बोलते हैं संयोजन, है ना। और जब दो ऑक्सीजन टूट करके अलग अलग एक एक ऑक्सीजन का निर्माण करें तो वियोजन। सिंपल सी बात है, अपघटन या वियोजन का मतलब हो गया टूटना। तो आप देख सकते हो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें टूट रहा है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी में ध्यान से देखो, ऑप्शन सी में ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2KClO3। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2KCl अलग हो गया है और 3O2 अलग हो गया है, ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो ये अभिक्रिया ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा Fe2 में से O जो है वो हट गया है यहाँ पर, सॉरी Fe हट करके अलग हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखना, Fe2O3 प्लस 2Al, ठीक है। जब रिएक्शन हुआ है तो आप ध्यान से देखना, ऊपर में आप देखना कि जो Fe2O3 है तो Fe क्या हो गया है, Fe2 यहाँ आ गया है और ये जो O3 है O3 के साथ ये एल्यूमिनियम का क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर O3 के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन हो गया। तो ये क्या किया, ऑक्सीजन क्या किया, लोहे को विस्थापित कर दिया और एल्यूमिनियम को अपने साथ रख लिया, यानी कि ऑक्सीजन जो था लोहे को हटा दिया और एल्यूमिनियम को अपने साथ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापित कर देना, ऑक्सीजन के द्वारा लोहे को विस्थापित कर दिया गया। और जब इस प्रकार का रिएक्शन होता है कि जब कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को या कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को अपने जगह से विस्थापित करके किसी दूसरे से रिएक्ट कर ले तो इसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, क्या कहा जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। एक चीज़ आप याद रखना, एसिड का अगर किसी भी पदार्थ से रिएक्ट कराया जाता है, चूँकि आप लोग 10वीं कक्षा के हो तो आपसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो इतना अनुभव है कि जब भी एसिड का किसी से रिएक्शन कराया जाएगा तो याद रखना आपको अगर आंसर नहीं आता है तो तुक्का के रूप में आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, हाइड्रोजन गैस बनती ही बनती है, ठीक है। जब भी किसी एसिड के साथ किसी के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो अक्सर, जरूरी नहीं कि हर बार हाइड्रोजन बने लेकिन अक्सर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप नहीं भी जानते हो तो इस तरीके से आंसर कर सकते हो, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो श्वसन जो है, श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो आपको पता है कि श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जब इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, ठीक है, समझ रहे हो, तो ही हमें एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल रहा है तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या उपचयन अभिक्रिया, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो कह रहा है CuO यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब रिएक्ट कराया गया तो कॉपर प्लस H2O मिला। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर जो है ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को त्याग दे रहा है, ठीक है। तब ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हो, अब CuO था ना तो ऑक्सीजन हट गया, अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ CU बच रहा है, यानी कि कॉपर जो पहले ऑक्सीजन के साथ था अब ऑक्सीजन को छोड़ दिया यानी त्याग दिया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसे कहेंगे रिडक्शन अभिक्रिया यानी कि अपचयन, ठीक है, क्या कहेंगे, अपचयन। तो देखो बी ऑप्शन में है अपचयन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। देखो जब आप कार्बनिक कंपाउंड पर होगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन या तो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या तो बंधन बनाता है, ठीक है, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है, क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन का या तो
साझा होता है, ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए, या पूर्ण रूपेण स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाए यानी पूर्ण रूपेण से दे दे किसी को, तो इसको बोलते हैं आयनिक, आयनिक रिएक्शन, या क्या बोलेंगे, विद्युत संयोजी। और अगर साझा करता हो, ठीक है, तो उसको विद्युत संयोजी ना कह के सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब भी होगा तो सहसंयोजी होगा। आप दसवीं कक्षा में हो तो आप याद रखना, कहीं पर भी अगर क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो क्लोरीन जिस भी केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा तो याद रखना, कॉमन ये याद रखना कि वह विद्युत संयोजी बंध बनाएगा या आयनिक बंध बनाएगा। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से साफ दे दिया तो विद्युत संयोजी बंध, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ पर कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने से बनता है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कॉपर के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर के CuO बना। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग हो तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो किसके साथ ऑक्सीजन संयोग हो, कॉपर के साथ, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण है। अब देखो यहाँ पर H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई भी ए और बी रिएक्ट होकर के अगर ए बी बना रहा हो तो अलग अलग था, जुड़ करके एक बन गया, तो इसको बोलेंगे संयोजन। और अगर एरो का साइन चेंज हो जाए तो जुड़ा हुआ था, अलग अलग हो गया, तो वियोजन। यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो रहा है, संयोग कर रहा है, एक दूसरे से संयोग होकर के एक बन गया, है ना, हस्बैंड वाइफ। पहले लड़का लड़की अलग अलग था, अब शादी करके एक हो गया। जब शादी करके एक हो गया तो बोलेंगे संयोग कर लिया, ठीक है। और जब देखते होंगे आप लोग कि अगर दो दोस्त होते हैं, ठीक है, तो दो दोस्त में अगर किसी प्रकार की अनाकानी हो जाती है तो ये अलग अपना रास्ता अपनाता है, ये अलग अपना रास्ता अपनाता है। पहले एक थे लेकिन किसी प्रकार के तकरार होने के वजह से वो अलग अलग हो गए, तो अलग हो गए तो वियोजन, टूट गए, ठीक है। और अगर साथ हो गए, ठीक है, किसी नए को ले आया तो वो कहलाएगा क्या, संयोजन। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो अलग अलग सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ मिल करके 2HCl बना रहा है, तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक ट्रिक बताता हूँ। विस्थापन में जो होगा, ठीक है, तो उसमें जो एक ही यौगिक क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेगा, विस्थापित करेगा किसी दूसरे तत्व को, एक यौगिक सहसंयोजी बंधन वाले, ठीक है। लेकिन जब भी कभी आयनिक बंधन वाले एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, या यूँ कह लो कि आयनों का आदान प्रदान करेगा, तो वो कहलाएगा द्विविस्थापन। आप उसको भूल जाओ, आयन वगैरह को सीधा याद रखो। क्लोरीन है ना, क्लोरीन का याद रखो, अगर क्लोरीन किसी भी केमिकल रिएक्शन में है तो समझ जाना कि वो द्विविस्थापन रिएक्शन है, बात ख़त्म, कुछ याद नहीं रखना है। अगर क्लोरीन रहे, ठीक है, सोडियम रहे, ठीक है, क्योंकि ये सब आयनिक बंधन बनाते हैं, तो जब भी आयनिक बंधन बनाने वाले कोई यौगिक एक दूसरे को रिप्लेस करेगा तो उसे कहेंगे द्विविस्थापन, समझ रहे हो ना। तो क्लोरीन और सोडियम बस याद रखो, जिस केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन और सोडियम रहेगा उसमें कौन सा होगा, द्विविस्थापन। अब देख लो कौन से ऑप्शन में क्लोरीन और सोडियम है, तो अब देख लो क्लोरीन तो ऑप्शन डी वाले में भी है लेकिन सोडियम इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखो आप, यहाँ पर Na सोडियम और Cl क्लोरीन दोनों साथ साथ है। जब दोनों साथ साथ है तो जब साथ साथ है तो हम अलग क्यों करें, साथ साथ है तो है, तो जब क्लोरीन और सोडियम है तो यही ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटा देना भाई, विस्थापित कर देना, है ना। जैसे कि पहले के समय में होता था राजा महाराजाओं में, है ना, जब बाप नहीं हटता था तो बाप बेटे को टपका करके उसके जगह पर खुद स्थापित हो जाता था, विस्थापित कर देना, वही बात है। विस्थापन का मतलब हो गया कि अगर मान लो कि कोई तत्व ए है, कोई तत्व बी है, इसके साथ अभी रह रहा है, अरे सिंपल सा देखो ना, अभी हमारे लाइफ में
ये लड़का है और ये लड़की है, अगर ये लड़की पसंद है तो इसके साथ दोस्ती कर लिया, और अगर कोई तीसरी लड़की इससे भी खूबसूरत आ गई तो इसको छोड़ के इससे रिएक्ट कर लेते हो। बस वही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी देखो होता क्या है, आप इसमें देख लो कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें विस्थापन हो रहा है। विस्थापन का सीधा सा मतलब हो गया रिप्लेस कर देना, किसी को हटा के दूसरे को ले आना। तो देखो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो यहाँ पर लोहा और यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। जब लोहा जो होता है कॉपर, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देकर ये जो है लोहा इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा तुम्हारा FeSO4 और कॉपर। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कॉपर को हटा दिया गया, पहले क्या था कॉपर सल्फेट में CuSO4 में Cu और SO4 एक साथ था, लेकिन अब देखो Cu क्या कर दिया, SO4 Cu को हटा दिया और Fe के साथ चला गया, तो हो गया ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है, ठीक है। तो याद रखना अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण बनता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब हो गया टूटना, मैंने कितनी बार बताया टूटना, ठीक है, छोड़ के चला जाना। एक गाना भी आया था ना, जो मुझे छोड़ के तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे। तो यहाँ पर भी टूट रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो अब देखो कौन में छोड़ के जा रहा है, तो CaCO3 छोड़ दिया ना, अलग अलग हो गया, छोड़ दिया। इसमें देखो 2KClO3 यहाँ पर भी छोड़ दिया, देख रहे हो है कि नहीं है, और यहाँ पर भी ध्यान से देखो, फिर से देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, यानी अपघटन का नहीं है तो संयोजन का होगा, किसका होगा, संयोजन का होगा, तो सही ही तो बता रहे थे। यहाँ पर भी छोड़ दिया, यहाँ पर भी छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर देखो पकड़ लिया है ना, H2 और Cl2 रिएक्ट करके बना लिया 2HCl, क्या बना लिया 2HCl। तो यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया नहीं है बल्कि यह संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। अब देखो रेडॉक्स क्या होता है, ऑक्सीजन संयोग किया, ऑक्सीजन आया और हाइड्रोजन गया, ठीक है, तो इसको बोलते क्या है, ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ और हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन आके मिल गया, तो इसको बोलते हैं अवकरण। अब अगर मान लो कि दोनों रिएक्शन एक साथ हो, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण अगर एक साथ हो तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में इसी को बोलते हैं उपापचयी अभिक्रिया। बायोलॉजी में आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रिया, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो, मतलब ये जो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों का दोनों क्या हो रहा है, साथ हो रहा है। तो बीसी प्रश्न थे इसमें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे का अगर आप कहोगे तो मैं इस वीडियो का सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा दूँगा आप लोगों को। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका यथासंभव आंसर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।